नमस्ते मैं दोस्त वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी आरा। तो चलिए हम बात करेंगे, आज पार्ट टू का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है सेशन 2022-25 BA BSc BCOM का। कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ आप लोग को। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोग को पार्ट टू का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है सेशन 2022-25 BA BSc BCOM। चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, BKSU का वेबसाइट पे आ जाना है। इस तरह का देख सकते हैं आप, वेबसाइट पे आने के बाद क्या करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक क्विक लिंक्स पे क्लिक दिखाई देगा आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या थोड़ा सा वेट करना है, इस तरह का इंटरफेस आ जाते हैं देख सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्नातक खंड 2 सत्र 2022-25 परीक्षा 2024 की प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे राइट साइड में लिखा है यूजर लॉगिन पे क्या करना है आपको, यूजर आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको पता होगा, और यूजर आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड वो डालना है जो आप लोग फॉर्म फिलअप करते समय आप लोग ने रखा। अगर नहीं पता तो आप फॉरगेट का बटन नीचे यहाँ पे आप क्या करना, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ वीडियो पोस्ट के, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो मैं बता दूँ सबसे पहले आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके ही दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड में, यहाँ पे प्रिंट एडमिट कार्ड प्रवेश परीक्षा पत्र प्रिंट करें, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे डाउनलोड पे, देख सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कब से एग्जाम, नीचे में डेट और रूटीन भी देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट कब से कब तक एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आप लोग इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।